आज से करीब 1.5 साल पहले शहर में स्मार्ट साइकिल परियोजना की शुरुआत हुई, जिसे काफी सफलता भी मिली। लोगों ने इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन आया और अब ये परियोजना साथ ही साथ साइकिल भगवान भरोसे है। एक समय था जब लोगों को साइकिल का जुनून सवार हुआ करता था। यह तब हुआ जब 50,000 की कीमत वाली महंगी साइकिल शेयरिंग के आधार पर सड़कों पर दौड़ने लगी। लोगों को अपने सेहत के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचने का मौका मिल गया और स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई यह योजना काफी सफल नजर आने लगी। लेकिन 1.5 साल का वक्त भी नहीं बीता कि सब कुछ बदल गया। मार्च में लॉकडाउन के शुरू होते ही साइकिल सड़कों से नदारद हो गई। जर्मनी में बनी इन साइकिलों को सड़क और स्टेशनों पर यूं ही छोड़ दिया गया। कॉरपोरेशन वाले भूल गए कि साइकिल कहीं की भी बनी हो, बाहर रखने पर कबाड़ ही बन जाती है। देखिए, फिलहाल तो जिस प्रकार ये साइकिल बर्बाद हो रही है, कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है, तो सरकार को चाहिए कि ये साइकिल को नगर निगम या नगर निगम भी चाहे तो इसको कहीं पे दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे ये साइकिल बर्बाद ना हो। स्टेशनों में रखे इन साइकिलों की स्थिति देखकर चलाने वाले भी सोच में पड़ जाएंगे। साइकिलों के पुर्जे अलग हो गए हैं और कई की तो चोरी भी कर ली गई है। आश्चर्य है कि इन स्टेशनों पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। नगर निगम इससे अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहा है और कहता है कि सारी जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के अधिकारियों की है। देखिए, जिस साइकिल की आप बात कर रहे हैं, रांची शहर में ऐसे बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए थे जहां साइकिल शेयरिंग सिस्टम में मिलता था, लेकिन ये चीज का संचालन स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के माध्यम से हो रहा है। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के माध्यम से होने के कारण नगर निगम में बहुत ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो स्थिति है, शहर की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति, देश की संपत्ति है, और हम लोग जरूर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन से कहेंगे कि इसको व्यवस्थित रूप से कैसे सुरक्षित रखा जाए, वो किया जाए। एक तरफ नगर निगम अपने बजट का रोना रोता है, वहीं रांची को स्मार्ट बनाने के लिए जनता से कई तरह के वादे भी किए जाते हैं। लेकिन जब एक साइकिल परियोजना यह शहर संभाल नहीं पा रहा है, तो स्मार्ट बनना तो अभी दूर की बात है। जर्मनी मेड ये सभी स्मार्ट साइकिल, जिसकी एक साइकिल की कीमत लगभग 50,000 रुपए है, रांची के विभिन्न स्टेशनों में सड़ते हुए दिख जाएंगी। ऐसे में अब इनका भगवान ही मालिक है। अपने सहयोगी नवल के साथ अंकुर सिन्हा, न्यूज 11 भारत, रांची।